Assalamu alaikum all viewers, welcome to my channel MCQs for you. So now we will upload second part of DM paper. इससे पहले हम एक पार्ट में 32 MCQs आपके साथ शेयर कर चुके हैं. यू कैन वॉच. अभी क्वेश्चन नंबर 33 से शुरू करेंगे. पार्ट सेकंड में DM का पेपर ईटा के थ्रू जो हुआ है, क्वेश्चन नंबर 33 है. अ डिश एक्सप्रेसेस करेक्टर थॉट्स रिटन इनसाइड इट. स्पीच बबल्स जो हैं, एक्सप्रेशन करेक्टर थॉट रिटन इनसाइड इट, या फिर स्पीच बबल इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. 34 को देखे, डिश और द सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट, इमेज इज़ द सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट, पर्सनल एक्सप्रेशन, इमेज इज ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा. क्वेश्चन 35 को देखें, द टेक्स्चर विच इज़ फिल्ड विद अ सेंस ऑफ टच इज कॉल्ड रियल टेक्स्चर. जो सेंस ऑफ टच से जो चीज़ महसूस की जाती है, जो टेक्स्चर, उसे हम रियल टेक्स्चर कहेंगे. ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 36 को देख ले, ऑर्गेनिक शेप्स आर यूजुअली इरेगुलर. ऑर्गेनिक शेप्स इरेगुलर होते हैं. ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. 37 को देखिए, डिश पेपर इज टिश्यू पेपर दैट इज़ यूज्ड क्रॉप पेपर. इसको हम क्रॉप पेपर कहेंगे. क्रॉप पेपर इज़ अ टिश्यू पेपर दैट इज़ यूज्ड that has been coated with gum or starch. ये gum or starch से coated होता है और ये use होता है texture में stiffness के लिए. तो crop paper इसको हम कहेंगे. option A here is a correct option. question 38 को देखें, missing the entire columns of mixing the entire column of a light spectrum. जितने भी lights हैं, 7 basic colors हैं या spectrums, इनको mix करने से हम white light हासिल करते हैं. option A इसका correct option हो जाएगा. 39 को देखिए, फॉर्म इज थ्री डायमेंशनल शेप. फॉर्म जो है ये थ्री डायमेंशनल शेप है. ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा. एंड क्वेश्चन नंबर 40 को देख ले, एंगल्स हैविंग सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड. वो एंगल के जिसमें इनिशियल और टर्मिनल साइड्स सेम हो बट डिफर बाय 360, और 360 से इनका फ़र्क किया जाता हूँ, इसको हम कॉटोमैनियल एंगल्स. ऑप्शन डी को देख ले. ऑप्शन डी हेयर इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन 41 को देख ले, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग 0.00435. यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक्स आपने फाइंड करना है. तो ऐसा हिंसा जो 1 से कम हो, 1 से कम हो. अब ये हिंसा जो है 1 से कम है, 0.00 समथिंग है. तो इसके लिए शरायत ये है कि पॉइंट के बाद जितने ज़ीरो आते हैं वो गिन ले, और एक इसके साथ एक आप ऐड कर ले, 1 ऐड कर ले. तो अभी पॉइंट के बाद दो ज़ीरो आ रहे हैं, 1 इसके साथ ऐड कर लें तो 3 हो जाएगा. लेकिन हम राइट साइड से, लेफ्ट साइड से हम राइट साइड की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए माइनस साइन लगेगा. तो -3 इसका आंसर बनेगा. जब हम इस साइड से इस साइड की तरफ आ रहे हो तो माइनस, लेकिन जब हम यहाँ से इधर आ रहे होते हैं तो फिर प्लस. और रूल्स इसके लिए ये है कि अगर आप लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ जा रहे हो तो पॉइंट के बाद ज़ीरो गिन लें, 1 इसके साथ ऐड कर ले और माइनस साइन लगा दे. तो 2 ज़ीरो है, 1 ऐड कर ले, 3 हो जाएगा. माइनस साइन लगा, -3. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन 43 को देख ले, 101011. सबको 2 से मल्टीप्लाई कर ले और एंड साइड से पावर इसका 2 लगा दे, कैलकुलेट कर ले. तो इससे जो डेसिमल सिस्टम में, डेसिमल सिस्टम में इसको आपने कन्वर्ट करना है, इसकी वैल्यू जो आएगी वो ऑप्शन सी को देख ले, 43 इसकी वैल्यू आएगी. क्योंकि बेस 2 है तो बेस 2 में आपने कन्वर्ट करना है. 43 ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा. नेक्स्ट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को देख ले. यहाँ पे करेक्ट नज़र भी नहीं आ. अ ट्री इज़ 7.5 सेंटीमीटर हाई, व्हाट विल इट्स हाइट इन मिलीमीटर. अच्छा जी, आसान सा सवाल है. सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना. 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो 10 से आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 75 मिलीमीटर. ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है, अजान के कलमात किस सहाबी ने ख्वाब में देखे थे. हज़रत अब्दुल्ला बिन जैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे. ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा. एंड क्वेश्चन नंबर 45 है, हुज़ूर सल्लम के नाना का नाम, हुज़ूर सल्लम के नाना का नाम हज़रत वहब हैं, हज़रत वहब. ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 46 को देख लीजिए, टू एजुकेट इन इंडिविजुअल इज़ टू एजुकेट द होल फैमिली. जब आप एक किसी इंडिविजुअल को एजुकेट कर रहे हो, उसका मतलब है कि आप उसकी पूरी फैमिली को एजुकेट कर रहे हैं. ए करेक्ट हो जाएगा. 47 को देख लें, नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज़ आल्सो नाउन एज अ डिस्टेंस एजुकेशन. ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. 48 को देखें, द कॉमन केस ऑफ स्टोन, किडनी में जो स्टोन बनता है उसका कॉमन केस कैल्शियम साल्ट या कैल्शियम आयन है.
ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। केमिकल कंपाउंड ऑक्सलेट हम लेते हैं, जो कैल्शियम का केमिकल कंपाउंड है ऑक्सलेट, इसका मेन केस है। 49 को देखिए, इन मियोसिस डॉटर सेल हैव मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, माइटोसिस में सेम रहते हैं, मियोसिस में हाफ हो जाते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने घर का आधा सामान किस गज़वा में पेश किया, गज़वा तबूक, गज़वा तबूक के मौके पे ये जंग थी, इसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने घर का आधा सामान पेश किया, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 51, इसमें आई थिंक करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, जामिया, अभी ये इसके बाद वर्ड क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ऑप्शन बी इसका एक सोर्स से पता चला है कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, बाकी इसकी ऊपर स्टेटमेंट भी अनरीडेबल हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में आपके साथ हाज़िर होंगे। अभी प्रॉब्लम ये है कि 51 से लेके 70 तक के क्वेश्चंस का पेज भी अवेलेबल नहीं है, तो जिस भी दोस्त के साथ हो मुझे व्हाट्सअप करिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर ले, 03436838300। तो ये पेपर पेपर सी हमने शुरू किया है, पेपर सी का 51 से लेके आगे का पेज अभी नीडेड है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए स्टे विद अस, कोई भी चैनल पे नए आओ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।